Coming up on this episode of the Myth Pat Podcast. That is one of the sad things about YouTube is that कि जैसे ही तू वीडियो डालता है ना, तेरे को immediate feedback मिल जाता है 20 minutes के अंदर कि तेरा वीडियो का ranking क्या है. Exactly. And this is the difference between I would say traditional media, जैसे कि TV, movies versus you know something like Instagram, social media. कि हम लोगों को ना literally immediate feedback मिल जाता है कि okay, अभी likes कितने compared to the previous post. मतलब हमने अच्छा किया है कि नहीं. Versus जब आप लोग एक movie पे for example 6 महीना काम करते हो या फिर एक साल एक मूवी पे बॉलीवुड में काम करते रहो, तभी दे वेट फॉर इट वन फ्राइडे और फिर फ्राइडे को फिर समझ जाता है कि ओके ये मूवी ने अच्छा किया कि नहीं. हमारे केस में क्या होता है कि लिटरली आर एवरी सिंगल डे इज अ फ्राइडे. एग्जैक्टली. तुम लोगों को तो मालूम है कि माइनक्राफ्ट की दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है. आई डोंट थिंक वो कहीं पे खत्म भी होती है. लेकिन फन फैक्ट, माइनक्राफ्ट वर्ल्ड इज अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज एज नेपट्यून. नेपट्यून जो प्लैनेट है उतनी बड़ी है माइनक्राफ्ट की दुनिया. बाप रे. Welcome to a new episode of the Myth Pat Podcast, a Spotify original. और आज बहुत दिनों के बाद हमारे साथ पॉडकास्ट पे एक ऑथेंटिक गेमर है गाइस, क्योंकि ये एक गेमिंग पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट पे गेमिंग के अलावा बहुत सारी चीजें होती रहती है. इसलिए आज हमारे साथ पॉडकास्ट पे है आई एम Bixu. हेलो. या फिर Bixu क्या बुलाऊं तुझे मैं? I thought मुझे बुलाओगे. हां Bixu बुला लो, कोई बात नहीं. मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया, सॉरी. या शिवम बुलाओ तुझे. हाँ शिवम. या शिवम, शिवम भी चलेगा, Bixu भी चलेगा, कुछ भी बुला लो आप. सो गाइस, मैं सो आज के पॉडकास्ट में हम लोग गप्पे मारने वाले हैं Bixu के साथ. वो भी पूरा अनप्रिपेयर्ड आया है, मैं भी पूरा अनप्रिपेयर्ड आया हूं. एग्जैक्टली. मेरा ऐसे ही होता है गाइस, मेरा जब मूड हो जाता है ना पॉडकास्ट का, फिर मैं गेस्ट के बारे में सोचते नहीं, मैं डायरेक्टली गेस्ट को मैसेज कर देता हूं, सुनना अभी फ्री हूं मैं पॉडकास्ट के लिए, आ सकता है क्या? हां बस 20 मिनट का पॉडकास्ट ले, अभी आ जा, क्योंकि अभी मेरा मूड था. तेरा क्या चल रहा है? हाँ यार, मैं भी मूड में था एकदम. मैं तो ऑलरेडी एक हफ्ते से मूड में हूँ कि कब आएंगे. हाँ यार, एक हफ्ते से हम लोग ये पॉडकास्ट करने वाले थे. फाइनली इट इज हैपनिंग. मैं अनवेल था, फिर इसके बाद Bixu बहुत बिजी हो गया था गेमिंग. अरे ओके. सो Bixu, पहले तो मेरे को ना तेरी जर्नी जाननी है, क्योंकि मेरे हिसाब से तू बहुत यंग. तेरी एज क्या Bixu? मैं एज ऑफ नाउ 17 का हूं, बट एज 18 को होने वाला हूं. क्या डूड, यू आर 17? या मैं 17 का हूँ. अरे ला, मतलब नहीं, मेरे को लगता था कि अपना सबसे यंगेस्ट गेमर, मेरे को जेन्युइनली लगता था अब तक कि अपना सबसे यंगेस्ट गेमर अब तक उज्जवल है, जिसकी उम्र लाइक 20 या फिर कुछ तो है, वो 19 20 ऐसे कुछ है उज्जवल की उम्र. हां वो होते हैं. हां या होते हैं क्या, 20 19 तो 17 साल का है. तो वो एंड्रू भी क्या एज क्या है? एंड्रू भी 18 का है, वो अप्रैल में 18 का हो गया था. अरे ला, इतने यंग यंग लोग आ रहे हैं अभी क्रिएटर. भाई दैट्स क्रेजी, बिकॉज़ अभी रिसेंटली ना प्रणव, गाइस हमारा तेरा मैनेजर प्रणव है, राइट? या हां. सो गाइस, हमारा रॉक्स, या हमारा कॉमन मैनेजर है प्रणव, एंड ही एक्चुअली साइन समवन, एक इंडिया का सबसे यंगेस्ट गेमर. उसकी उम्र आई थिंक क्या 10 हो गया. या मैंने देखा था वो. दैट्स सो सिक है ना. वो शायद उनके वो मॉम भी उनके साथ वो करते चैनल पे ना. या मैंने देखा है उसका चैनल, शायद देखा है. तो ऐसे मैंने और भी है, तेरे को मालूम है एक गेमर है जिसका नाम है Z Gaming. हाँ यस यस, मैं उसे भी जानता हूँ, उसे भी जानता हूँ. हाँ डूड, वो भी बहुत यंग है. या उसकी उम्र भी लाइक 8 या फिर कुछ तो होगी यार, 8 9 10 11 ऐसे कुछ होगी. एंड उसकी हाईएस्ट वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब इज लाइक आई थिंक 6 मिलियन 10 मिलियन. व्हाट? या तेरी है क्या कोई? मेरा फेस रिवील ही है 6 मिलियन. फेस रिवील, फेस रिवील है 6 मिलियन पे तेरा? हाँ अभी रिसेंटली गया 6 मिलियन. ओह वाओ क्रेजी. 14 मिलियन है व्हाट? या Z Gaming का 11 मंथ्स पहले एक वीडियो आया था माइनक्राफ्ट के बारे में, जिसके हाईएस्ट वाचिंग इज 14 मिलियन और इसकी उम्र आई थिंक होगी 10 साल का लग रहा है ना. हाँ बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ये. मेरे को तो इंटरनेट के बारे में भी नहीं पता था. एग्जैक्टली. एंड ही इज एट व्हाट 1.29 मिलियन सब्सक्राइबर्स. एग्जैक्टली. दैट्स, इसके साथ भी चेक करना पड़ेगा पॉडकास्ट एक दिन. हां डूड, बट द बेस्ट पार्ट इज लाइक इट्स नॉट लाइक इसके पास मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, इसके व्यूज भी आ रहे हैं. हां एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग. या दैट्स द थिंग. लेकिन थोड़ा अपने आपको बिल्डअप दिया कि चलो धीरे 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 ऐसा था. ये तो पक्का ही नहीं था यूट्यूब, बट माई मॉम लाइक मेरे मॉम ने थोड़ा मेरे को बोला कि देखता रहता पूरे दिन इनको टीवी पे, तू भी कुछ ट्राई कर ले कभी. मैंने बोला फिर ठीक है, पीसी चाहिए होगा मुझे एक. तो वहां से एक्चुअली शुरुआत हुई थी. वरना मैं तो यूट्यूब आई गेस 13 या 12 का होगा, मैं तब से देख रहा हूँ. वो वाइन वाला कल्चर आया था, आपको याद है? वाइन ही चल रहे थे एक एक मिनट के. हर्ष बनीवाल, आशीष चिंचलानी भैया ये सब करते रहते थे. तो उस टाइम पे वो एक एक मिनट के डालते थे ना. तो यूट्यूब के बारे में मेनली वहीं से पता लगा था. एंड आई एम सरप्राइज कि तू बोल रहा है कि तेरी मम्मी ने तेरे को एनकरेज किया.
एग्जैक्टली लोगों को बोलते तो वो ना मानते नहीं है काफी लोग. क्योंकि देख ऑनेस्टली जब मैं भी बाहर वगैरह जाता हूँ एंड मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं पूछ के कि हमारे बच्चे को यूट्यूबर वगैरह बनना है, तो मैं जेन्युइनली सबको बोलता हूँ कि अभी कुछ अब मतलब उसको अलाउ करो, एक्सप्लोर करने को अलाउ करो, लेट हिम मे बी लर्न थोड़ा इधर उधर का एडिटिंग जैसे मैंने स्टार्ट किया था. बट उसको अभी आई डोंट थिंक वो उम्र है उसकी यूट्यूब चैनल चालू करने की. लाइक मैं बता रहा हूँ 13 साल 14 साल 15 साल के जो बच्चों के बारे में पूछते, तो तेरे एग्जाम्पल लेके मेरे को लग रहा है कि अभी क्या 15 साल के लोग एक्चुअली यूट्यूबर्स बन सकते हैं. हाँ एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, मैं मेरा तो ऐसा प्लान था लाइक आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 9th आई गेस. यू टेल मी अबाउट एंटायर जर्नी ना, मतलब वैसे भी ऑनेस्टली तू तो अभी 17 साल का है, तेरी जर्नी इतनी भी बड़ी शायद नहीं होगी. बट टेल मी अबाउट जर्नी. बट हाँ अभी तक जो हुआ गया बिल्कुल मैम आई वुड लाइक टू टेल. तो ऐसा सीन था कि बेसिकली यूट्यूब तो मैं पहले से लाइक वाइन वगैरह से मुझे पता लग गया था ओके यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे बस एक एक मिनट की मैं क्लिप्स देख रहा हूँ. गेमिंग के बारे में आई हैड नो आइडिया. आई यूज टू गेमिंग, ऑब्वियसली मैं गेमिंग करता था ऐसे गेमिंग पार्लर्स में जाके, यू नो PS2 का जमाना हो, स्मैकडाउन वगैरह खेलते थे हम. तो मुझे ऐसा नहीं पता था कि यूट्यूब पे भी गेमिंग है. बट मेरे को ऐसा बस वाइन वगैरह के बारे में पता था, तो मैं वाइन वगैरह भी ट्राई करता था बनाने का. वो चैनल फन फैक्ट अभी भी है जिसपे मैं पता नहीं आई गेस व्हाट 11 या 12 ईयर ओल्ड होगा आई गेस. उस चैनल के बारे में किसी को नहीं पता. एंड उस चैनल के बारे में आज हम लोग पॉडकास्ट ही बताने वाले. क्या नाम है उसका बेटा? बेटा बताओ तेरा. मेरा प्लान तो मैं वीडियो बनाऊंगा एक उसके ऊपर, वो वीडियो पे रिएक्ट करते हुए. बेटा बेटा जरा बताओ चैनल का नाम क्या है प्लीज. अरे बहुत क्रिंजी है प्लीज. बेटा जरा बताओ. ओके इट्स कॉल्ड, अरे यार बताते हो शर्म आ रही है, शिवम डिवाइन्स. अरे किसी तेरे ऑडियंस से ढूंढ के निकाला है ये? नहीं नो नो वन नोस. अब शायद पता लग जाएगा, पता नहीं. शिवम की वाइंस कितने वीडियोस है ये वाला? एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो, एक वीडियो है. मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं इसके बाद ढूंढता हूँ. नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. बेसिकली अपने को एक छोटा क्रिंजी बच्चा ढूंढने का है. ओके यार वही ना, तू ही तो बोल रहा है, मैं किधर बोल रहा हूँ, तू बोल रहा है. एग्जैक्टली बेसिकली यस. ओके तो ढूंढता हूँ शिवम की वाइंस गाइस, जाके ढूंढना है. बट हाँ तो तू इस चैनल पे क्या कर रहा था? वाइंस बना था इन सबको देख के बाकी लोग. बेसिकली अब तो मेरे को जिनसे यूट्यूब के बारे में पता लगा आई वाज लाइक ठीक है हम भी करते हैं. तो थोड़ा बीबी की वीडियो से एक जोक उठा लिया, हर्ष बेनीवाल की वीडियो से एक जोक उठा लिया और उसको एक वीडियो में बना के डाल दिया. ठीक है तो जेन्युइनली व्हेन यू हैड दिस एस्पिरेशंस कि तेरे को जिंदगी में कुछ तो बनना है, तेरा ऐसा था कि तेरे को यूट्यूबर बनने का? नो नॉट एट ऑल. बिकॉज मैंने कभी पढ़ा है मतलब बहुत सारे लाइक स्टैटिस्टिक्स या उस टाइम पे नहीं था एक्चुअली रिसर्च के हिसाब से वो लाइक मेरे टाइम के ना जब बचपन में पूछते थे हमें, मैं भी जब हमें पूछते थे बचपन में कि बड़ा होकर क्या बनने का है, एक ही आंसर हुआ करता था एस्ट्रोनॉट बनने का है. एग्जैक्टली. एंड अभी के बच्चे आई डोंट नो इंक्लूडिंग यू आंसर देते हैं कि हमें बड़ा होकर यूट्यूबर बनने का है. नहीं हाँ, अब तो मेरा भी हो गया. हाँ तो तेरा था कभी ऐसा कि तेरे को अभी क्योंकि या वही मैं बोलने वाला था एक पॉइंट के बाद आके ना हो गया था. बट स्टार्टिंग में तो नहीं था जब मैं वाइन वगैरह बना रहा था. ऑब्वियसली एक सैमसंग पता नहीं कौन सा फोन हुआ, अगर सैमसंग भी नहीं कोई उस टाइम पे अलग ही कोई और ही कंपनी हुई करती थी फोन हुआ करता था. हाँ अभी तो आईफोन है. 17 साल की उम्र है आईफोन. प्लीज ऐसे मत सोचो कि हमें 18, 17, 16 की उम्र में अर्निंग चालू करने का, उससे फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली. बट लाइक मैंने एक इंटरनल ऐसे डिसाइड किया था कि मेरे को जल्दी से जल्दी अर्निंग चालू करने का है. आई थिंक मैंने डिसाइड किया था इंजीनियरिंग का जॉब करने से पहले करना, तो YouTube से वो हो गया था. तो यू आर तो 17 एंड यू स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ प्रोबेबली 16 देन. 16 या 16 टाइम क्रेजी. तो हाँ तो अब यही था. तो वाइन वाला तो चैनल मिजरेबली एकदम पूरा क्या बताऊँ फ्लॉप. उसके अंदर एक्चुअली बहुत सारी वीडियोस थी बट समहाउ एक ही वीडियो रह गई. अब मुझे भी नहीं याद है कैसे, शायद मैंने या तो कॉपीराइट क्लेम की वजह से उड़ गई होगी या तो मैंने प्राइवेट कर दी क्योंकि मुझे आई हैड जीरो नॉलेज. क्लेम भी कुछ होता है, कॉपीराइट भी कुछ होता है. आई वाज लाइक बस एक ऐसे बनाना है, मैंने इसको देखा मेरे को ऐसी वीडियोस बनानी है. तो उस टाइम पर बिल्कुल बच्चा दिमाग बच्चा बुद्धि, तो मैं कर रहा हूँ. अब ऐसा पॉइंट आया कि थोड़ा एक साल ऐसा हो गया था कि नहीं फोन अब बहुत यूज कर लिया नहीं करना है. आई वाज लाइक ठीक है चलो छोड़ो. तो बस मैं देखता था, देन आई गॉट टू नो कि यूट्यूब पे गेमिंग भी है. आई वाज लाइक व्हाट. मेरे को सिर्फ लगता था कि गाने और बस ये वाइंस वगैरह है. तो फिर गेमिंग के बारे में उस टाइम पे मुझे आई गेस सबसे पहले तो बीस्ट बॉय शो भी पता लगा था ऑब्वियसली. एंड देन मैंने उन थोड़ा देखना चालू किया, ओके ऐसे होता है ऐसे होता है. देन अराउंड आई गेस व्हाट 2018 या 19 विद दैट वेव केम इनटू द सीन. एंड अराउंड दैट टाइम ओनली तू ना तू मेरे को देखता था पहले. अरे हाँ ऑब्वियसली मैं क्या मैं शायद मैं भी एंड्रियो भी बहुत स्टार्टिंग से ही
एक्चुअली मैं और एंड्रयू ना स्टार्टिंग से ही फ्रेंड्स है, लाइक यूट्यूब के स्टार्टिंग से ही. तो वी यूज्ड टू डिस्कस यार क्या सही वीडियोस है, मतलब ऐसा था बेसिकली. मैं काफी लंबा जंप ले लिया, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं. मेरी तारीफ करनी है तुझे, आगे बता. ओके हां, वो थोड़ा आगे, थोड़ा आगे. तो यार ऐसा हुआ करता था, मेरे पूरे टाइम टीवी पे बीस्ट बॉय शुभ की वीडियोस चलती रहती थी. मैं बैठ के देख रहा हूँ ट्यूशन से आने से पहले, ट्यूशन से जाने के बाद. तो मॉम वाज लाइक कि चल, मॉम को दिख जाता कि क्या देख रहा है. ओके ठीक है, देख रहा है. तो वो ना काफी ज्यादा बीस्ट बॉय शुभ ऐसे वे में बोलता था ना, थोड़ा लगता था काफी ज्यादा वो कैसे रिलेटेबल फील होता था. तो फिर मेरे मम्मा को भी पता चल गया उनके उसके बारे में, बीस बॉय शुभ के बारे में. तो फिर मैंने मम्मा को धीरे धीरे बताया कि ये यूट्यूब होता है, यहाँ पे ऐसे गेम वगैरह भी खेल सकते हैं. तो मॉम वाज लाइक ये सब ठीक है लेकिन पढ़ाई पे ध्यान देना है. देख रहा है ठीक है लेकिन पढ़ाई पे ध्यान देना है. उस टाइम पे अराउंड 2018 या 17 में. यप करेक्ट. तो फिर आई वाज लाइक चलो ठीक है कोई बात, देखते हैं देखते हैं देखते हैं. फिर मैं 8th में हुआ आई गेस. देन 8th में मैं यही सेम रूटीन मेरा, मैं देखता रहता था. देन फिर आपका चैनल थोड़ा बूम होने लग गया था, फिर आपकी वीडियो सीखने लग गई. एंड आई वाज लाइक डूड मेरे को एक कहते हैं ना जो राइट पाथ पता चल गया था आपकी वीडियो देखिए, कि मेरे को भी तो ऐसी लाइक वो कहते हैं ना रिलेटेबल वाली चीज, कि एक बंदा घूमो रखा है फिर उसे वो एक चीज देख लेता है, वो सोचता है कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू, यही तो करना था मेरे को. तो मुझे वो चीज दिखी तो मैंने बोला ठीक है एक बार ट्राई. लेकिन मैं ऑब्वियसली मैं घर वालों को बताने में बहुत झिझकता था कि मेरे को YouTube करना. आई एम एंजॉयिंग दिस कन्वर्सेशन बिकॉज़ इतने सारे बच्चे हैं जिनको YouTube चैनल चालू करना है, वो मुझे हर बार पूछते रहते हैं कि यार कैसे चालू करें, क्या करें. यू आर लिटरली द लाइव एग्जांपल जिसने ये करके दिखा है 15-16-17 साल की उम्र में. एंड अभी 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है. सो इट्स सो इंस्पायरिंग जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए. आगे बता. अभी तक तो बस मॉम डैड को पता लग रहा था YouTube के बारे में. एंड मैं भी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था कि यार एक ऑब्वियसली एकदम से तो जाके बोल दूंगा नहीं पॉइंट ब्लैंक होके कि मॉम मेरे को YouTube करना है. तो आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग माई सेल्फ एंड माई पेरेंट्स टू इनडायरेक्टली विच वर्कड ऑब्वियसली. तभी मैं यहाँ पे तो ना ऐसा था, एक दिन हुआ आई वाज लाइक मैं खाना खा रहा था. एंड मेरी आदत है मैं खाते खाते ना मैं YouTube देखता हूँ. तो उस टाइम पे दैट वॉज द टाइम जहाँ पे मम्मा ने बोला कि तू इनको देखता है तू खुद क्यों नहीं ट्राई करता है. एंड आई वॉज लाइक नाउ आई गॉट माई गोल्डन चांस, अब मैं बोलूंगा इन्हें. तो मैं थोड़ा होता नहीं है ओके काम डाउन मैंने बोला हाँ तो कर तो लूंगा मैं, लेकिन मेरे पास कहाँ है पीसी, कहाँ है मेरे पास. आई हैड अ लैपटॉप i3 और वो भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ, तो उसमें क्या ही चलेगा मुझ पर भाई, आपको ही पता है क्या ही रिकॉर्ड कर पाऊंगा मैं उसमें. तो आई नीडेड वन पीसी. तो दे वर लाइक ठीक है देखते हैं लेट्स सी लेट्स will take this into consideration. तो I was like okay बढ़िया. मेरे मन में तो लड्डू फूटे लेकिन मैंने वही एक्साइटमेंट नहीं दिखाई उन्हें, मैंने दिखाई नहीं. तो ऐसा सीन था. एंड तो मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ा ऑब्वियसली पीसी के लिए. तो मैंने वेट किया ठीक है, मेरे को 5 महीने वेट करने को अगर बोला गया मैं वेट कर लूंगा. मेरे अंदर एक बहुत ये आदत है पहले से कि अगर मेरे को कुछ चाहिए मेरे घर वाले एक सेट टाइम ऑफ डेट बता देंगे कि अभी रुक जा, वी डोंट हैव लाइक थोड़ा फाइनेंशियल इशू है बाद में कर लेंगे. तो आई वाज लाइक नो प्रॉब्लम, मेरे को जब मर्जी दो मैं स्टार्ट कर लूंगा. तो फिर 5 महीने बाद ऐसा प्लान बना कि ओके दिस इज काइंड ऑफ रियली इंस्पायरिंग और ये चीज मुझे भी मोटिवेट करती है. तो व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे घर की फाइनेंशियल इश्यूज ना स्टार्टिंग से इतनी अच्छी नहीं थी. तो उस टाइम पे मेरे डैड ने एक वो एफडी होती है ना वो जो जॉब में से कटती है थोड़ी सी, वो जो पैसे कटते हैं, तो उसमें से मेरे डैड ने पीएफ तो मेरे डैड ने उसमें से निकाल के मेरा पीसी फर्स्ट पीसी मेरे को दिलाया था. एंड आई वॉज सो इमोशनल मैं बता नहीं सकता. और कितने टाइप की बात है 2019 में ही मेरा पीसी आया था. एंड फन फैक्ट ये शायद आपने पता नहीं कि लोगों ने देखा होगा मेरा जो अभी एक वो स्टोरी टाइम वीडियो आया था आई ब्रोक माय हैंड वाला. तो मेरा हाथ जिस दिन मेरा प्लास्टर कटा है मैं उसी दिन पीसी बिल्ड करवाने गया हूँ. सोच रहे हो आप मैं लाइक हॉस्पिटल से बाहर आया हूँ, मैंने बोला मम्मा आप घर जाओ मैं पीसी बिल्ड करवा के घर पे जाता हूँ, मेरा हाथ सीधा भी नहीं हो रहा है. ऐसा होता है ना मित्र भाई जब आपका 3 महीने तक हाथ ऐसे है ना लाइक वो बांध देते हैं तो ना आपके जॉइंट्स ना वो स्टिफ हो जाते हैं. तो वो ऐसे आपको बोलते हैं 2 हफ्ते तक आपको इसकी मूवमेंट ही करनी है हाथ की, वरना ये पूरी जिंदगी स्टिफ रह जाएगा. ऐसा डराते हैं पता नहीं होता है. एंड आई वॉज लाइक नहीं मेरे को टाइम और वेस्ट नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ अपना पीसी बिल्ड करवाने. मैं हॉस्पिटल से निकला बाहर, मेरा प्लास्टर कट रखा है, मैंने मॉम को घर भेज दिया, मैं भाई के साथ अपना पीसी बिल्ड करवा के घर आ रहा हूँ. पता नहीं मैंने कैसे सेटअप किया मेरा हाथ, उस टाइम जो एक्साइटमेंट जो एड्रेनलिन रश था ना आई गेस उसी ने हेल्प करवाया, वरना मैं तो नहीं कर पाता. तो यहाँ से मेरा पीसी आ चुका है मेरे घर पे. एंड उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे ना फाइनल एग्जाम चल रहे थे. तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को पढ़ाई पे फोकस करना है, अभी मैं फुली फोकस तो नहीं दे पाऊंगा इस पे. तो मेरा पीसी बंद हो गया अराउंड 3 महीने, 3 महीने या 2 महीने बंद हो गया. तो, मतलब मैंने डब्बे में बांध के रख दिया कि वही है ना घर वालों का होता है. अच्छा, हाँ फाइनल एग्जाम है पहले. मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक. हाँ नहीं, मेरा वही लास्ट चैनल वाइंस वाला था. मेरे को ऐसा था मैं फुल इन जाऊंगा अपने आपको फुल रेडी करके. तो मैं अपने आपको बस ऐसे प्रिपेयर करता कि अब मैं थोड़ा फ्री हो जाता हूँ एग्जाम देके. मॉम डैड वर लाइक कि
तूने पीसी खरीदवा लिया अभी तक, लाइक कुछ स्टार्ट क्यों नहीं किया? आई वाज लाइक डूड लिजिट, मैंने फिर खुद से भी क्वेश्चन किया मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मेरे को ऐसा फील हुआ कि अब तो मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे आई गेस 70,000 का पूरा 70 समथिंग का पड़ गया था मेरा मॉनिटर वगैरह सब लेके. मैंने अपने डैड मॉम डैड से बोला मुझे आप एक साल का टाइम दो, मैं इसमें कुछ करके दिखाऊंगा आपको पढ़ाई के साथ साथ. तो देन आई स्टार्टेड माय चैनल अराउंड 2019 7 दिसंबर. ओके, तो अब मैंने चैनल बना लिया एंड मैं बैठ के लोगो बना रहा हूँ, मैं बैठ के बैनर बना रहा हूँ, मैं बैठ के पहले तो नाम ही डिसाइड करने में मेरा जब फ्रैक्चर हो रखा था हाथ. अब ऐसा हुआ करता था ना, एनुअल फंक्शन है, फाइनल एग्जाम से पहले एनुअल फंक्शन होता है, तो मैं तो जा नहीं सकता हूँ, तो मैं बैठा हुआ हूँ. मेरे साथ मेरे तीन दोस्तों ने भी सैक्रिफाइस किया, वो बोल रहे नहीं हम तेरे साथ ही रहेंगे छोड़. एंड अगर मैं उनके नाम ले सकता हूँ मैं ले सकता हूँ, लेना सबके नाम ले. हाँ, तो अक्षित, अश्मिता एंड अनुज, थैंक यू सो मच, वो अभी भी मेरे साथ है, मेरे दोस्त. आई एम रियली लकी टू हैव लाइक दिस काइंड ऑफ फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को. तो उन्होंने पूरा ऐसे प्लान किया कि चैनल का नाम ये रखेंगे. तो वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ रूबिक्स क्यूब, आपको पता होगा कैसे बना ये नाम कैसे आया. यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो रूबिक्स क्यूब ना हम बहुत खेलते थे, बहुत लाइक वो होता नहीं है 7th-8th वाले बच्चों को अलग ही लगा रहता है भाई स्पीड क्यूबिंग करनी है, ये करना है वो करना है. तो चैनल सब डिसाइड हो गया, गेम ये वाली गेम खेलेंगे, ऐसे स्टार्ट करेंगे, ये होगा स्टाइल. तो आई वाज लाइक ठीक है परफेक्ट, अब नाम क्या सोचे. हम नाम लिख रहे हैं अर्बन शिवम, शिवम ये, आई एम शिवम. तो आई वाज लाइक नहीं यार ये यूनिक नहीं लग रहा, कुछ इसमें यूनिकनेस नहीं है. तो ना माय फ्रेंड अक्षित, ऐसे उसने नहीं अश्मित सॉरी नहीं अक्षित तू भी थे. तो माय फ्रेंड अश्मित ही रोट रूबिक्स ऑन पेपर एंड उसने ऐसे जंबल कर दिया, एक वर्ड आ गया 4 लेटर का, भिक्षु. उसने मेरे को बोला ए भिक्षु कैसा रहेगा, एंड मेरे को दिमाग में सुना, मैंने मेरे को वैसे क्लिक हो गया नाम, मैंने बोला यार ये काफी कैची नाम लग रहा है. और ये ऐसा काफी छोटू सा भी है, बिग्सू 4 लेटर का, खत्म. ऐसा लग रहा है कोई गेमर है, बहुत अच्छा नाम है, है ना. तो लकीली बहुत अच्छा नाम मिल गया मेरे को, लाइक चलो चैनल का नाम भी हो गया. एंड द फर्स्ट वीडियो आई मेड वाज वो CS:GO की वीडियो थी, सी काउंटर स्ट्राइक एक वो है बैटल रॉयल टाइप गेम है, नहीं नहीं मैं जस्ट फॉर ऑडियंस ऐसे बता रहा था, कम ऑन उनको बताना पड़ता है ऐसे. वैसे उन्हें भी पता होगा, मोस्टली को पता होगा, सबको मालूम है काउंटर स्ट्राइक. काउंटर स्ट्राइक किसको नहीं मालूम होगा, किसको नहीं मालूम होगा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फर्स्ट पर्सन गेम. हां, तो फर्स्ट वीडियो मैंने ये बनाया, ऑब्वियसली उस टाइम पे 20 वर्ष को ज्यादा देखता था. तो उन्होंने ना वो स्टार्टिंग में आपको पता है CS:GO की वीडियो डालते थे फनी मोमेंट्स, बस वो बिना फेस कैम के एडिट करके, और वो CS:GO के वो आइटम्स वगैरह खोलता था. हाँ, वो भी हाँ, वो क्रेट ओपनिंग भी करते थे. खैर उसके तो पैसे मांगने में भी मेरे को शर्म आते, मैं मांग नहीं पाया कभी. तो मैं बस ऐसे मैंने खेला एंड फर्स्ट वीडियो आई मेड मैंने वही CS:GO मोमेंट्स वाली बनाई एंड एडिट करने में इतना मजा आया ना मुझे लिजिट. पहले तो मैं पॉइंट ब्लैंक हो गया था जब मैंने फर्स्ट टाइम एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोला है, वाज लाइक डूड मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगा इसके अंदर एडिट. एंड जब वो रिकॉर्डिंग हो जाती है ना, फिर जब तुम एडिट करने बैठते हो, देन फिर मजा आता है. तो मेरे को अब सबसे बेस्ट मेरे लाइक YouTube जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट वही था, फर्स्ट वीडियो जो मैंने एडिट की थी. एंड मैंने एडिट की, मैंने अपलोड की, मैंने सबसे पहले अपने दोस्तों को भी भेजी कि देखना कैसा है कैसा है. तो मेरे दोस्त थे सबसे पहला, पूरे लाइक पूरे चैनल का सबसे पहला कमेंट उसी का अभी भी पिंड है उस वीडियो पे. उसने पहले तो उसने पहले ऐसे लिख दिया था क्या बकवास वीडियो है, मैंने लिखा भाई ये क्यों लिख रहा है, तो कह रहा अच्छा ठीक है. फिर उसने बहुत लंबा चौड़ा कुछ फेक ऐसे लिख दिया मोटिवेशन, वो अभी भी पिंड है मेरी वीडियो में, जाके देख सकते हैं. तो हाँ वो देखना, वो ऐसा लगेगा कि मैंने बोला है करने के लिए. तो फिर मैंने अपने ना या पहली गेमिंग वीडियो डल गई एंड आउट ऑफ नोवेयर मुझे ना म्यूजिक का शौक चढ़ गया, आउट ऑफ नोवेयर. तो मेरा ऐसा हो गया था बीच में कि मेरा चैनल गेमिंग का था ही नहीं, मेरा चैनल म्यूजिक का हो गया था बीच कब तेरा चैनल ये या एग्जैक्टली ये रहा है ना फर्स्ट टाइम म्यूजिक वीडियो अभी बनाया है. नहीं नहीं नहीं, इससे पहले मेरे 5 म्यूजिक ऑलरेडी प्राइवेटेड है, लेकिन अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, मैं सब आपको एक्सप्लेन करता हूँ. तो मैं गेमिंग कर रहा हूँ एंड ऑब्वियसली मैं गेमिंग कर रहा हूँ. मेरे को एक दिन हुआ कि मैं ना रैप लिखता हूँ एंड ओ फन फैक्ट मैं भूल गया, तो जो वाइन वाला टाइम था ना, तो मैं कैरी को भी बहुत ज्यादा देखता था उस टाइम पे. कैरी तो बूम पे था, कैरी मिनाटी वॉज लाइक वो तो अलग ही उस पे थे, अलग ही एकदम बहुत ही तगड़ा बूम हो रहा था उनका चैनल. Correct. तो फिर मैं उनको भी बहुत देखता था एंड आई वाज लाइक क्या मैं एक ना रैप लिखता हूँ, मैं इनको डेडिकेट करता हूँ. वो मेरे चैनल पे है नहीं अभी, लेकिन उन्होंने उस पर रिएक्ट भी किया. Correct. तो फिर मैंने वो बना के डाल दिया एंड सरप्राइजिंगली उनको पसंद आया. तो वहां से ना मुझे एक मोटिवेशन मिल गई कि डैम मैं लिख सकता हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है मैं लिख सकता हूँ. अब ये गेमिंग वाला एक कीड़ा तो है ही, अब मेरे को म्यूजिक का भी आ गया, तो इसको क्यों ना साथ में लेके चलते हैं. एंड मित्र भाई आई किड यू नॉट, मेरे गेमिंग की वीडियोस पे मान के चलो 50% व्यू आते हैं, मेरे म्यूजिक वीडियो मेरे में जो म्यूजिक डालता था उस पे 100% व्यूज आते थे. ऐसा हो गया था बीच में, आई वॉज सो ब्लैंक कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मतलब ऐसा गेमिंग में, मेरे को गेमिंग से ही स्टार्ट करना था लेकिन या, समझा मुझे. हाँ तो म्यूजिक पे मेरा वो प्लान नहीं था. फिर ऐसा मैं फुल कंफ्यूज हो गया कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्या कैसे करूँ, मैं गेमिंग अब चल ला के रखूँ या म्यूजिक भी चला के रखूँ. तो फिर ऐसा पॉइंट आ गया था कि मैंने डिसाइड कर लिया था अब ये म्यूजिक चैनल ही है. लेकिन देन
अराउंड 2020 या नहीं 19 का एंड 2020 का स्टार्टिंग, यप 2020 का स्टार्टिंग. तो देन यू वर इन द सीन, आपका तो अलग ही सीन चल रहा था, अलग ही वीडियोस, वो बत्तक कुमार वाली और GTA 5 वाली विदाउट फेस रिवील वाली वो चलती थी. तो उस टाइम भी ना लाइक मैं अपने कंटेंट को ना इतना मेरे को पता नहीं लग रहा था मैं एग्जैक्टली सही चीज कर रहा हूँ या नहीं. बट जब मैंने आपकी वीडियो देखनी स्टार्ट की ना, ये मेरी ऑडियंस को भी पता होगा मैं कितने गुण गाता हूँ आपके अपने वीडियोस में, आपके और बीस बशु के, बस यही दोनों है. मेरे को कोई शर्म नहीं आती है बोलने में, पता नहीं लोग क्यों शर्माते हैं. मुझे भी नहीं, मतलब इफ आई फॉलो समवन, इफ आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन, मैं डायरेक्टली बोलता हूं उसमें क्या है. एग्जैक्टली, उसमें शर्माना क्या है, जो चीज है वो सामने रखनी चाहिए. सबको मालूम है मिथपैट तो ग्रेट है ही. Yeah, yes, वो तो है ही भाई. तो I'm interested, I want to know कि as a, you know, even as a viewer, मैंने ज़्यादा पैटीज़ के साथ बात नहीं की है. So I want to know कि तू तभी जब मुझे follow करता था, and then your journey to becoming also a YouTuber, how did, how was that phase? Yeah, तो हाँ, तो आपकी वीडियोस ना बहुत रीसफर होने लगी थी मेरे उस पे, होम पेज पे. I was like, ठीक है, देखते हैं देखते हैं. Then मैंने वीडियो देखी, मैंने, I watched the first video, that was the Shinchan one, जो शायद नहीं है, Shinchan, sorry, Nobita one. वो शायद अब नहीं है, वो जीडे वाली सैड स्टोरी. तो मैंने वो देखा एंड आई वाज लाइक, डूड ये भी हो सकता है क्या, लाइक मतलब ओके भी देख सकते हैं हम लोग. हाँ, और तुम मिमिक कर रहे हो कैरेक्टर, स्टोरी लाइन बना सकते हैं. एग्जैक्टली, मैं आई वाज लाइक, डूड ये चीज भी हो सकती है, व्हाट, ये तो मुझे पता नहीं था. तो मैंने वो चीज, वो वीडियो देख ली. तो उसके बाद बत्तक कुमार वाली वीडियो, देन और GTA 5 की वीडियो आने लगी, शायद वैनम वाली भी आपकी उसी टाइम की थी. और उस टाइम पे देन स्टार्टेड माइनक्राफ्ट वाला सीन, माइनक्राफ्ट वाला, एंड आपका जो वे ऑफ लाइक टॉकिंग था, वे ऑफ एडिटिंग था, आई वाज लाइक, मेरे को यही तो, मेरे को तो पसंद आ गया था. लाइक मैं इतने टाइम से यही तो खोज रहा था, मेरे को खुद में नहीं मिला, मेरे को किसी और में मिल गया, मेरे को मिटपैट भाई में मिल गया. हम लोग बात दूसरे लोगों को देख के करते हैं. मैं भी कभी भी कंटेंट अभी बनाता हूं ना, या फिर मैं भी जब भी इवॉल्व होने की कोशिश करता हूं कि मुझे अभी ये नहीं, मुझे अभी दूसरा टाइप का कंटेंट बनाने का. बहुत सारे फॉरेन यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं, तो उनको देख के पता लगता है कि यार मेरे को इसके जैसा ही वीडियो बनाने का था. हां, तो आई फाउंड, मेरे को पता लग गया कि मेरे को एक रीजन पता लग गया, भाई मेरे को यही करना था, यही तो चीज करनी थी. देन आई वेंट इन माइनक्राफ्ट का, तो आपको पता ही है क्या ही वेव चल रहा था उस टाइम. करेक्ट, माइनक्राफ्ट का फुल वेव. अब मेरा चैनल ऐसा हो रखा है, 2K सब्सक्राइबर्स है मेरे, एंड मेरे रैप पे आ रहे 2K व्यूज, मेरे गेमिंग पे आ रहे 200 व्यूज. तो मैं करूं तो करूं क्या. तो आई स्टार्टेड, मैंने बोला लेट्स गिव इट अ शॉट, मैंने माइनक्राफ्ट की वीडियो डाल दी. बट इन बिटवीन दिस मैं CSGO की वीडियोस डालता था, लेकिन व्यूज नहीं आते थे, वो अलग बात है. CSGO और रैप वगैरह डालता था. Correct. तो मैंने बोला माइनक्राफ्ट ट्राई करते. मेरी ऑडियंस बोलती भी थी कि जो भी थोड़ी बहुत 10-20 कमेंट में देखता था, वो बोलते थे कि माइनक्राफ्ट खेलो ना. आई वाज लाइक, यार मेरे को नहीं खेलना, मेरे को पता नहीं ज़ॉम्बीज़ की आवाज से बहुत वो होता था, मेरे को मैं वियर्ड आउट हो जाता था, डर लगता था मेरे को. तो फिर ये हुआ, मैंने बोला ठीक है खेलते हैं, एंड आई मेड द फर्स्ट वीडियो, एंड गेस व्हाट हैपेंड, जो मैंने 10K व्यूज, 10K व्यूज, मैं पहली बार 10K व्यूज देख रहा था, लाइक किसी गेमिंग वीडियो पे, समझ रहे हो आप. हाँ. वो खुशी थी मेरे लिए, मेरे क्योंकि मेरे को रैप पे व्यूज आ रहे थे, एंड गेमिंग पे मेरे को व्यूज ही नहीं आते थे. मैं फुल ऐसे उदास हो रखा हूँ कि भाई क्या हो रहा है, क्या सोच के स्टार्ट किया था, जा कहाँ रहा है डायरेक्शन. ओ सॉरी, मैंने माइक पे मार दिया. तो मैं कुछ ज्यादा हाथ चला रहा हूँ. तो बहुत एक्साइटेड लगता है मुझे, बोल बोल. मैं ऐसा ही हूँ, मेरे को हर कोई बोलता है थोड़ा शान बैठना. ओके, सो योर फर्स्ट माइनक्राफ्ट वीडियो, आई एम ट्राइंग टू फाइंड, व्हाट वाज इट कॉल्ड, व्हाट दैट वाज, वो मेकिंग ओमनीट्रिक्स. अब तो उसमें मिलियन व्यू है. Okay. अब तो उस पे समथिंग. नो, फर्स्ट माइनक्राफ्ट वीडियो वाज दैट वन. आपने शायद कमेंट भी किया था, वही तो बोल रहा हूं. मेरा चैनल पे फर्स्ट माइनक्राफ्ट वीडियो इज लर्निंग माइनक्राफ्ट विद पैटर्न बी स्पोशो, एंड गाइस फन फैक्ट, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा गाइस, बट इस वीडियो पे मैंने July 7 को ये वीडियो आया, 2020 की बात कर रहे हम लोग, यानी कि 2 साल पहले, एंड अभी मैंने इस वीडियो पे कमेंट किया था, तू बड़ा यूट्यूबर बनेगा पक्का. इसे पिन किया कमेंट 2 साल पहले. And I'm so proud कि एक्चुअली तू बन गया, बिकॉज आई रिमेम्बर जब तेरे 1 मिलियन या फिर 100K भी हुए थे ना, आई रिमेम्बर ये बिक्सु को मैंने 100% कहीं पे तो देखा है. हाँ, अरे मैं आपके आपसे बात की थी मैंने. मैं तो बहुत ज्यादा स्टटर होने लग गया था, मैं वाज लाइक मेरे 100K हुए थे. तो थ्रू मेरा एक दोस्त है, उसके थ्रू मैंने बात की थी, एंड आपने बहुत अच्छे से बात की थी मेरे को. तो ऐसे मैंने, मेरे पास शायद वो रिकॉर्डिंग भी पड़ी होगी, पता नहीं, हमने बात की थी. करेक्ट, हाँ, तो डिस्कॉर्ड की मैंने वो रिकॉर्डिंग भी कर ली थी जो हमारी बात हुई थी. एंड देन उसके बाद वो दिन था जब तूने जस्ट शुरुआत की थी माइनक्राफ्ट की वजह से, एंड अभी भी तू माइनक्राफ्ट का कंटेंट डालता है. नाउ यू आर एट 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स. यस, व्हिच इज क्रेजी. Exactly. I also saw your face reveal video also. मुझे 10 मंथ्स के अंदर 6 मिलियन व्यूज, व्हिच मींस दैट पीपल एक्चुअली केयर
अबाउट यू, पीपल आर देयर, दे लव यू बिकॉज़ नॉट ओनली बिकॉज़ ऑफ योर वीडियोस, उनको बस माइनक्राफ्ट नहीं देखने का, उनको बिक्सू भी देखने का है. या एग्जैक्टली, ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है सच बताओ तो, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आ गया था ना मित्र भाई की सिर्फ गेम की वजह से व्यूज आ रहे थे. लाइक अगर मेरे मान के चलो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, नहीं 1 मिलियन नहीं, मैं ज्यादा आगे चला गया, 4 लाख सब्सक्राइबर है ना, 6 लाख, तो अगर मैं कोई और गेम खेल रहा हूँ उस पर मेरे को 50,000 व्यू भी नहीं आते थे. एंड दैट वॉज सो डिसहार्टनिंग कि मैं एक वक्त को क्वेश्चन करने ले जाता था कि मेरी खुद की कुछ वैल्यू है या नहीं. करेक्ट, तो वो वाली चीज ना बहुत ज्यादा खाती थी. बट दिस फेस रियल वाली वीडियो तो दैट ब्रोक ऑल माय क्वेश्चंस, सब कुछ मेरा सब टूट गया. ठीक है, जो भी है सब चल. मुझे एक बात बोल, तेरी मेंटालिटी कैसी है? आई वांट टू नो बिकॉज़ यू आर सुपर यंग, यू आर 17 साल का. व्हाट इज योर मेंटालिटी लाइक? डू यू फील लाइक दिस इज जस्ट योर फेस जहां पे तू यू नो कुछ भी लिटरली करने का है वो कर सकता है क्योंकि तू पैसे कमा रहा है, एंड यू आर सुपर यंग, यू हैव सो मच टाइम टू ट्राई आउट, या तू भी प्रेशर लेता है चीजों का? नहीं, एक चीज बताता हूँ आपको, डेफिनेटली विद लाइक ऑडियंस प्रेशर तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. आई वोंट से प्रेशर, बट आई वुड से जब मैं यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे मैं ऐसा था बिंदास, मैं 4 मिनट की वीडियो डाल रहा हूँ, मैं 3 मिनट की वीडियो डाल रहा हूँ, मैं मेरे को आप समझ रहे हो 10 मिनट या 8 मिनट का मार्क टच करने की चिंता ही नहीं थी. करेक्ट, लाइक मेरे को जितने मैं एडिट करते करते हो गया ना भाई, बस इतनी बेस्ट वीडियो बनी है, 3 मिनट में 3 मिनट की वीडियो डाल देता था. लेकिन ऑब्वियसली अब ऑडियंस आई है, यू हैव टू शो देम, यू हैव टू लाइक, उन्होंने कुछ चीज के लिए सब्सक्राइब कर रखा है. बट व्हेन यू सी राइट नाउ, सो गाइस जिनको मालूम नहीं कॉन्टेक्स्ट, अभी यूट्यूब पे एक मेट्रिक होता है, जब भी आप वीडियोस डालते हो तभी आपके वीडियोस रैंक होते हैं यूट्यूब पे. या सो 1 out of 10, 2 out of 10 ऐसा. सो 10 out of 10 इज द वर्स्ट, लाइक बोलते ना, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, नाइटमेयर बोलते हैं, वैसा होता है 10 out of 10 मतलब. सो अरे मैं, हां जब तेरे को लाइक ऐसे होता है कि समटाइम्स योर वीडियोस मे बी गोइंग एट 8 out of 10, 10 out of 10, 6 out of 10, 7 out of 10, व्हाट इज योर थिंकिंग लाइक? आर यू वरीड, आर यू प्रेशराइज्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस, या तेरा ऐसा है कि तू वैसे भी 17 साल की उम्र में अच्छा खासा कमा रहा है एंड तेरे पास बहुत सारा टाइम है सब चीजें ट्राई आउट करने के लिए? बिकॉज अगर तू 17 साल की उम्र में ही कर सकता है तो तू 20-25 साल की उम्र में भी कर सकता है. जैसे मैं, आई एम 24 एंड आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 21-22, या मुझे जितना याद है. तो मुझे ही लगता था तभी कि मैं कितने यंग उम्र में चालू किया एंड वाओ क्रेजी हुआ है. फिर उसके बाद मैंने देखा कि अरे टेक्नो है, टेक्नो ने चालू किया कुछ 18 साल की उम्र में, एंड ही इज 20 नाउ एंड ही इज डूइंग रियली गुड. फिर अभी मैं देख रहा हूँ कि तू 17 साल का है, तूने तो उससे भी अर्ली चालू किया एंड तू बहुत अच्छा कर रहा है. एक यूट्यूबर का मूड कैसा रहेगा जिस दिन वो अपलोड कर रहा है डिपेंड करता है उसकी वीडियो की रैंकिंग पे. आई किड यू नॉट, अगर वो वीडियो की रैंकिंग है ना तो लाइक वो वीडियो अपलोड कर दिया एंड वो अगर वीडियो टॉप 3 में भी चल रही है ना, सेफ ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, आराम से खा पी रहे मस्त एकदम, और रेस्ट ले लिया एक दिन का. एंड व्हेन यू अपलोड वन वीडियो जो जाता है 8, 7, 10, 9, तब तो अलग ही डिजास्टर खुद वो होता है. नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन में चल जाता है इंसान की ये ऐसा क्यों हो रहा है. लाइक ऑब्वियसली पिछले वाली वीडियो अच्छी चल रही थी, इस वाली को क्या हो गया, अब इसके अगले वाली अच्छी चलेगी या नहीं, तो डेफिनेटली वो वाला प्रेशर एंड टेंशन तो मित्र भाई रहता ही है. एंड ऐसा भी है कि मेरे को जो मेरे दिल में बात है मैं बताता हूँ आपको, मेरे को ऐसा लगता है ना कि जो एक यूट्यूबर का बेसिकली रेलेवेंसी है ना, वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. अब मुझे पता नहीं 18-17 साल की उम्र में इतनी क्यों चिंता आ गई है रेलेवेंसी वगैरह की, मुझे तो चिल मारना चाहिए. बट हाँ, बिकॉज मैट्रिक्स हमारे सामने है एंड आई फील दैट इज वन ऑफ द सैड थिंग्स अबाउट यूट्यूब इज दैट कि जैसे ही तू वीडियो डालता है ना, तेरे को इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है 20 मिनट्स के अंदर कि तेरा वीडियो का रैंकिंग क्या है. एग्जैक्टली, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आई वुड से ट्रेडिशनल मीडिया जैसे कि टीवी मूवीज वर्सेस यू नो समथिंग लाइक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, कि हम लोगों को ना लिटरली इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है कि अभी लाइक्स कितने कंपेयर टू द प्रीवियस पोस्ट, मतलब हमने अच्छा किया है कि नहीं. वर्सेस जब आप लोग एक मूवी पे फॉर एग्जाम्पल 6 महीना काम करते हो या फिर 1 साल एक मूवी पे बॉलीवुड में काम करते हो, तभी दे वेट फॉर दैट 1 फ्राइडे और फिर फ्राइडे को फिर समझ जाता है कि ओके ये मूवी ने अच्छा किया कि नहीं. हमारे केस में क्या होता है कि लिटरली आर एवरी सिंगल डे इज अ फ्राइडे. एग्जैक्टली, रोज रिलीजेस हो जाते हैं एंड रोज अपने को इधर पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मिलता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स सैड बट लाइक आई डोंट नो क्या करना चाहिए उसके लिए, बट बहुत बार नेगेटिव फीडबैक्स ही होते हैं एंड देयर इज वन वीडियो जो बहुत चलती है. ऐसे हो जाता है कि वो नेगेटिव फीडबैक इतने जल्द से आ जाते हैं ना, मतलब 10-20 मिनट के अंदर समझ जाता है कि ओके ये वीडियो अच्छा करने वाला है कि नहीं, तो अगले वीडियो बनाने वक्त थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है. Yeah, this is the thing. This is the sad part. यही मेन दिक्कत है कि we can see कौन सी वीडियो पिट रही है. Yeah. और वो पिट रही जो वीडियो दिख जाती है फिर थोड़ा सा मोटिवेशन भी लूज हो जाता है यार. But क्यों? The great part about YouTube is through having conversation with you, मुझे ऐसे लग रहा है कि तेरे जैसे लोग जो फॉर एग्जाम्पल 20 बार शुक को देखते थे, मुझे देखते थे एंड तुम लोगों को ऐसे लगता था, मेरा भी सेम सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल है बट आई टेक योर एग्जाम्पल, तुम लोगों को ऐसे लगता था कि ओके हमें भी यूट्यूबर बनने का है एंड अगर वो अंदर से लिटरल वो फायर आ जाए
एक बंदे के अंदर बस वो फायर आनी चाहिए कि यार मुझे एक यूट्यूबर बनना है, मैं कुछ भी करूंगा यूट्यूबर बनने के लिए, ओके मेरे पेरेंट्स कन्विंस हो गए, ये हो गया, एंड आई नो इफ माय पेरेंट्स गिव मी दैट पीसी और इफ आई ट्राई टू मेक गुड कंटेंट, अगर मैं अच्छा वीडियोस बनाऊंगा, मैं कुछ तो इस फील्ड में कर सकता हूँ, अगर बस वो मोटिवेशन आ जाए तो आप 17 साल की उम्र में भी एक यूट्यूबर बन सकते हो. या फॉर श्योर, इफ यू वांट टू मेक अ करियर इन सोशल मीडिया ऑल यू नीड इज लाइक दैट डिटरमिनेशन. या तेरे जैसे लोग जिन्होंने पुल ऑफ करके दिखाया है, जब भी फॉर एग्जांपल तू सोच, मैं तो इसके बारे में बहुत बार सोचता रहता हूँ कि मैं लिटरली एक ऑर्डिनरी बंदा हूँ, पर जब मैं मिथपैट नहीं था तब मैं ऐसे बहुत सोचता था कि यार ये आशीष चंचलानी, भुवन बाम, इन लोगों ने कैसे करके दिखाया. मैं बीस बॉशुप को देखता था, मैं सोचता था डूड बीस बॉशुप को इतने व्यूज आते कैसे, ये तो अपने नसीब में कभी नहीं आ सकता. एंड नाउ तू भी अभी इस पोजीशन में आ गया, तू भी सोचता होगा ना कि अरे मैं भी तो सोचता था कि कैसे आएगा व्यूज, पर आ गया ना इन द एंड. एग्जैक्टली दैट्स द थिंग, वही चीज है मुझपर भाई. तो एक टाइम पे ना हर चीज इम्पॉसिबल लगती है. मैंने जब स्टार्ट किया था आई वाज लाइक डूड मैं कैसे प्रूव करूंगा घर वालों को, मेरे को ऐसा हो गया था, एक साल हो गया था मेरे 10th के बोर्ड आ गए थे, विच इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो मेरे एस लाइक बहुत झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स चलती रहती थी घर में, वो तो हर घर में चल रही है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ उन्हें, वो मुझे समझा रहे हैं. आई वॉज लाइक मुझे तो उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया कि ओके इधर यू डू दिस या तो तू अब 10th की अच्छे से पढ़ाई कर. एंड आई गेस उस टाइम पे मैंने जस्ट माइनक्राफ्ट डिस्कवर किया ही था. Correct. तो मैं फुल ऐसे सैड वैड हो रखा हूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या करूँ. एंड मैं माइनक्राफ्ट की वीडियोस डाल रहा हूँ, वही मेरे को 10K 15K व्यूज आ रहे हैं. देन आई मेड दिस वन वीडियो एंड इसका नाम क्या है, एक सेकंड मेरे को एक सेकंड देना, मेकिंग ओमनीट्रिक्स इन माइनक्राफ्ट. करेक्ट, ये आई गेस मेरी माइनक्राफ्ट की फोर्थ वीडियो होगी, फोर्थ माइनक्राफ्ट वीडियो. और वो वायरल गई, और वो वायरल गई एंड उस पे एंड्रयू बी का भी कमेंट आया समहाउ. डूड माइनक्राफ्ट वाज लाइक द गोल्डन थिंग, अभी भी आते हैं व्यूज माइनक्राफ्ट पे, बट लाइक उस टाइम जो था, जिस टाइम PewDiePie ने, वो टाइम तो टाइम ही था, PewDiePie ने जब माइनक्राफ्ट चालू किया वापस एक बार एंड माइनक्राफ्ट का बूम आ गया, वो ऐसा व्यू था कि जो भी बंदा माइनक्राफ्ट खेलेगा ना वो मतलब उसके तो सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं भाई. या थोड़ा बस थोड़ा सा एक यूनिट टच आ जाए बस, एक यूनिट टच होना चाहिए. आई डोंट नो मेरे में क्या यूनिक टच था, पर वो आ गया. लकीली आई टुक दैट माइनक्राफ्ट एंड इवन आई लेजिट डिड नॉट इवन रियलाइज एंड माइनक्राफ्ट टर्न्ड आउट टू बी द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर माय ग्रोथ. मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ था तब तक, जब तक मैं ग्रो हो गया था फिर समझा कि वेट, क्योंकि मैं तभी इतने मैट्रिक्स देखता नहीं था जितना अभी मैं रोज देखता हूँ ना, तभी मैं कुछ नहीं देखता था. फिर एक दिन समझ गया कि अहिला माइनक्राफ्ट की वजह से अपनी क्या ग्रोथ हुई है यार, डायरेक्ट 5 लाख 6 लाख 7 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़ गए. एग्जैक्टली. एंड अबाउट योर दैट क्वेश्चन कि आपको नहीं पता आपका क्या वो था लाइक एक यूनिक टच, मैं एज अ व्यूअर मैं बता सकता हूँ. मैं लाइक जब मैं आपकी वीडियोस देखता था ना, लाइक फर्स्ट टाइम मैंने आपको डिस्कवर किया था, द मेन थिंग विच कॉट माई आई वॉज एडिटिंग एंड लाइक द टाइमिंग ऑफ लाइक आपकी कमेंट्री की टाइमिंग बहुत ज्यादा ऐसे लगती थी एडिटिंग के साथ, बहुत ज्यादा सही कॉम्बिनेशन था ये दोनों चीज, कमेंट्री एंड एडिटिंग, ये दोनों चीज एकदम टॉप ऑफ द चेरी वाला सीन करते थे. तो ये चीज था एंड मुझे भी वो चीज देख के लगा कि डूड आई शुड ऑल्सो ट्राई दिस. लाइक मतलब बेसिकली यू मीन लाइक अगर एक जंप स्केयर फॉर एग्जांपल आ गया तो उस टाइम एडिट में तो क्या दिखाएगा वैसा. हाँ तो या एग्जैक्टली ये चीज. अब इसके अंदर चार लोग हैं, चार लोग अपना अलग अलग तरीके से दिखाएंगे, लेकिन एक होगा जो थोड़ा यू नो जो थोड़ा नॉर्मल ऑब्वियसली दिखा देगा, या तो थोड़ा सा बस स्क्रीन दिखा घुमा देगा, थोड़ा जूम कर देगा, लेकिन जो यूनिक टच हम डाल सकते हैं जैसे कि हम क्या करेंगे, हम तेरी एडिटिंग भी मैं वही बोल रहा हूँ कि तू और इवन एंड्रू भी तुम लोग कितना एडिट डालते हो यार. या वही वाला चीज, तुम लोग को पसंद भी है बहुत एडिटिंग करना. या एग्जैक्टली अभी तो सिंस लाइक पास्ट फ्यू मंथ्स मैं थोड़ा कॉट अप हूँ बाकी चीजों में, तो मैं एडिट नहीं कर पा रहा था, दैट्स व्हाई मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरी हेल्प कर रहे थे, जैसे कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. ओके एक्सक्लूसिव, मैं सच्ची बोल रहा हूं, सच्ची डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कॉट अप है क्या, व्हिच इज अ गुड थिंग. या ऑब्वियसली लाइक लाइफ का एक आई वुड से, चलो मैं यहां पे बता ही देता हूं, मेरी जिंदगी का अभी सबसे बड़ा जो अचीवमेंट होने वाला है आई गेस मैं उसी पे काम कर रहा हूं, व्हिच इज शायद मेरे को बता देना चाहिए. लाइक ऑब्वियसली मैंने अपना एक खुद का घर लिया है, तो आर यू सीरियस राइट नाउ. या वो टचवुड हो चुका है, लाइक कुछ महीनों में भी वहां पे ट्रांसफर होना है, देखते हैं क्या सीन है. क्रेजी. मैंने प्रणव झा को भी इस बारे में बताया था, प्रणव झा वाज सो हैप्पी भाई, सो हैप्पी. मैं शॉक्ड हूं क्योंकि तू 17 साल का है, तूने 17 साल की उम्र में खुद का घर खरीद लिया है. एंड ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ माय पेरेंट गाइडेंस मैं ये चीज कर पाया हूं. मेरे मॉम डैड को खुश देख के लाइक I have earned everything. मेरे को कुछ नहीं चाहिए. मेरे मॉम डैड खुश हैं, मेरे वजह से प्राउड है. That's it. मैं हो गया मेरा बस. हाँ, मैं तेरे को उसके बारे में पूछने वाला था, because like you started earning at such a early age. लोगों मेरा पता नहीं शायद वॉइस पसंद आया या बोलने का स्टाइल पसंद आया, वो मेरे चैनल पे
बादलों की तरह बरसने लग गए. लाइक ऐसा हो गया था एक महीने में आई रीच 100 के फ्रॉम 4K टू 100 के. मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था. तो मैंने एंड्रू को बोला एंड्रू रुक जा मैं कुछ अपना अपनी साइड से दिखाता हूँ ताकि ऑडियंस मेरे से स्टिक रहे क्योंकि फिर मैं तेरे साथ ही खेलता रहूंगा तो वो वाली एक चीज हो जाएगी. तो एंड्रू लाइक बिंदास. तो फिर मैंने उसके बाद बस एक वीडियो बनाई थी. देन फिर मैंने अपनी 10 वीडियो बनाई एंड वो सरप्राइजिंगली मेरे को जो लग रहा था कि मैं प्लस 2 तक जाके रीच करूंगा 100 के 100 $100 वाला मार्क वो मैंने विदिन अ मंथ ही कर लिया. मतलब तू बोले 12th स्टैंडर्ड तक वैसे कुछ. हाँ मैंने मम्मा को ऐसे बोला था. मैं 10th में कर रहा था ना लाइक मेरा ठीक ठाक चल रहा था कि मम्मा मम्मा 12th तक ना ऐसे 7000 आ जाएंगे. मॉम वाज लाइक सुपर हैप्पी. मैं उनको ऐसे बताता था मम्मा 17 पैसा बने पैसा नॉट रुपए वीडियो से पैसा. वैसे होता था. मैं भी जब चालू किया था तभी स्टार्टिंग में मेरा दिन का 5-6 रुपए ऐसा आता था यार. हाँ एग्जैक्टली exactly. और जिस दिन 1 रुपए दिख जाता था ना वो अलग ही खुशी होती है. चलो ठीक है 1 रुपए बन गए अब ये $100 में एडअप हो रहे हैं. लेकिन जब चैनल वायरल होने लग गया अच्छा एड रेवेन्यू भी थोड़ा अच्छा आने लग गया था. एड्स भी अच्छे चलने लग गए थे. व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं. तो फिर वो आपको पता ही बहुत लोचा होता है जब $100 वाला रिलीव हो जाता है. IFC कोड लो इधर जाओ उधर जाओ बैंक का. तो मैं मॉम से ना मांग रहा हूँ कि मम्मा मेरे को ना बैंक अकाउंट चाहिए होगा. एंड देयर लाइक क्या पता कौन पैसे निकाल ले. आई एम लाइक मम्मा गूगल वाली चीज है ये सारी सर्टिफाइड होती है. फिर मैंने उन्हें बिठा के समझाया. एंड ऑब्वियसली कुछ लोगों का ना ऐसा भी होता है लाइक उनका रिव्यू से भी वापस आ जाता है. वो उनका एड वो हो ही नहीं पाता. तो मेरे को चलो टचवुड उस वाले में मेरे को ऐसे दिक्कत नहीं आई थी. लेकिन मैं काफी लोगों को जानता था जिन्हें दिक्कत आ गई थी. एंड उन्हें उस वजह से उन्हें क्विट भी करना पड़ा विच इज लाइक सच अ नाइटमेयर फॉर मी अगर उस टाइम पे देखा जाए तो. क्योंकि ऑब्वियसली चैनल अभी हेल्दी हुआ है एंड एकदम जैसे एडसेंस का मारा पीटना हो जाता. तो बट मैंने घर वालों को काफी मुश्किल से समझाया कि मम्मा पैसे आने वाले हैं ऑब्वियसली तभी मैं मांग रहा हूँ ये अकाउंट. तो उन्होंने मुझे दिया. एक हफ्ते इधर उधर बैंक के चक्कर लगाए. एंड फिर फर्स्ट पेमेंट आने में भी थोड़ी लेट हो जाती है. आपको दूसरी बार भी बैंक जाना पड़ता है कि एक्चुअली मेरी पेमेंट होल्ड पे है. तो जब वो पहले 7000 आए ना मेरे मॉम डैड दे वर लाइक ब्लैंक. उनको एक्सपेक्टेड नहीं था. उनको लगा था मैं मजाक कर रहा हूँ. तो मैंने देखा आई वॉज लाइक देखा. एंड मेरे पेरेंट्स बस बट ओके नाइस यू आर नॉट जोकिंग. तो 7000 पहले वाले देख के what mixed reaction they? You tell me about the house. What is the reaction here? Okay, the house thing. Yeah. तो ऐसा था लाइक अभी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ जहाँ पे मैं अभी वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ ये भी वैसे खुद का ही घर है. लेकिन इट्स लाइक 1 BHK. मेरा रूम है मेरे भाई के साथ मैं रह रहा हूँ. एंड साइड में ही बिल्कुल साइड में दीवार के साथ ही चिपक के एक रूम है जहाँ पे मेरे मॉम डैड रह रहे हैं. तो पूरा एक 1 BHK टाइप ही हुआ है. एंड बहुत छोटू सा रूम है. लाइक कोई गेस्ट भी आता है हम तो चलो रह लेते हैं हमें आदत है. लेकिन कोई गेस्ट आता है तो दे स्टार्ट जजिंग की अरे यार इतना बड़ा यूट्यूबर है और ऐसे घर में रह रहे हैं. 1 BHK में रहता था. सो ऑब्वियसली व्हेनेवर यू आर लाइक जब आप घर से काम करते हो तभी लाइक यू नीड लाइक अ बिगर स्पेस. आई गेट दैट. हां एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो फिर एक बार मेरा कोई दोस्त भी आ गया था. मैं नाम नहीं लूंगा उसका. लाइक तो फिर वो आया वो बिंदास एकदम रह रुक गया जब मेरा YouTube ऑब्वियसली बूम हो गया था थोड़ा. देन वो गया. देन ही स्टार्टेड लाइक वो लोगों को जाके बोल रहा डूड इसका घर कैसा है ये कैसे से घर में रह रहा है. एंड मुझे वो चीज पता लग गई. एंड मेरे को इतना हर्ट हुआ ना लाइक चलो कोई बात नहीं ये थोड़ा एक साल पुराने वाली बात है. देन आई स्टार्टेड ओके अब मेरे को कुछ करना पड़ेगा. देन मैंने घर वालों को बोला हम यहाँ पे ऑब्वियसली हमें ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा तो हम एक घर देखना स्टार्ट करते हैं. तो पिछले साल में आई गेस हमने घर देखना स्टार्ट किए. पहले तो ऐसा प्लान था कि हम बनाएंगे लेकिन उसमें ऐसा होता कि मॉम मेरे थोड़े इल रहते तो वो नहीं जाके देख पाते हैं. डैड की जॉब छोड़ना इज लाइक और वो ऑब्वियसली एक रिस्क वाला फैक्टर होता है. डैड की प्राइवेट जॉब है वो सीधा आपको पता ही है कितने स्ट्रिक्ट होते हैं. अगर आप 2 दिन की भी छुट्टी ले लोगे सीधा बाय बाय बोल देते हैं. तो फिर बनाने के लिए ऑब्वियसली मुझे यार भाई को जाना पड़ता है. उसमें मेरा यूट्यूब वाला शेड्यूल हिल जाता क्योंकि घर तो आपको पता है 6 महीने लग जाते हैं बनने में. 6 महीने के आप बहुत टाइम लग जाते हैं. देन व्हाट हैपेंड कि थोड़ा सेविंग करते 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 मेरा जो भी पेमेंट आता था तो मेरा जो भी यूट्यूब पेमेंट आता था ना आई हैड नो ट्रैक. बस मेरे को उस पर दिख जाता था कि ओके इतना बना है. मेरे मम्मा के अकाउंट में आता था. मेरे को उससे मतलब नहीं था. फिर मम्मा रख रहे हैं मम्मा सेव कर रहे हैं मम्मा कैसे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता. देन अभी रिसेंटली दिसंबर में 2021 में हमने एक घर देखा था. अराउंड आई गेस इट्स 128 स्क्वायर फीट एंड इट्स 4 BHK. 1 BHK से सीधा 4 BHK पे जंप. एंड वो वाला घर हमने देखा हमें लेजिट पसंद आ गया. फर्स्ट टाइम में ही पसंद आ गया. तो मॉम वॉज लाइक कि नहीं ये थोड़ा आउट ऑफ रेंज आ रहा है आउट ऑफ रेंज आ रहा है. आई वॉज लाइक चिंता क्यों कर रहे हो मैं यहाँ पे बैठा मैं यहाँ पे बैठा हूँ क्यों चिंता कर रहे हो. एंड मेरा फेस रिवील भी उसी टाइम पे हुआ था. तो लाइक बोला तो नहीं चाहिए बट चैनल को अरे एग्जैक्टली मेरे एक एक महीने में 30-30 million व्यूज आ रहे थे विच इज लाइक क्रेजी. अब तो चलो खैर वो अपडाउन चलता रहता है 10 million समथिंग ऐसा. वो तो चलो एक पार्ट है इस जर्नी का वरना कुछ सीखेंगे ही नहीं. तो ये वाला साथ मैंने मॉम को बोला मॉम आप चिंता मत करो ये सब मेरे ऊपर है अब बिंदास लो. तो फिर घर वालों ने वो जब घर लाइक फाइनल जब हुआ
इट वॉज लाइक ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग कैंसल्ड. मैंने इंसिस्ट करवा के लिया, मैंने बोला नहीं ये लेते हैं. एंड जब वो घर हुआ, माय पेरेंट्स वर सो प्राउड. वो घर लाइक अब रजिस्टर वगैरह सब हो चुका है, लाइक सारा पेपर वर्क हो चुका है, बस हमें अब शिफ्ट होना है. ये चीज मैंने कहीं भी नहीं बताई, मैंने एक वीडियो में बताई है, स्टोरी में बताया, सो एक्सक्लूसिव. गुड दैट, एंड यू शुड टेल इट बिकॉज़ या एग्जैक्टली यू विल बी, यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल जो 17 साल की उम्र में घर खरीद पा रहे हैं, एंड इट इज सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी डूड. आप तो वो वाली चीज मेरे घर वालों को खुश देख के, बस मुझे और कुछ चाहिए नहीं, खत्म, चीजें खत्म होगी सारी. Crazy. मेरे घर वाले खुश, मैं खुश. ओह वाओ डूड, इट वाज सो मच फन. It was so much fun talking to you. Let's go. तेरे साथ podcast करेंगे कभी तो, maybe तेरे साथ और Andrew के साथ वापस एक बार करेंगे. अरे done. इसमें मुझे like you know Minecraft के बारे में बस बात करने का, because आज तो हमने ज़्यादा करके तेरी journey जान ली, and तेरे तू कौन से games खेलता था, थोड़ा थोड़ा Minecraft वगैरह मैंने जान लिया. Yeah. But like I want to talk to you both about more gaming. I want to learn like Minecraft from you both. Yeah. तो किसी और दिन पक्का वापस एक बार podcast करेंगे. Done. पर आज के लिए बस इतना ही. बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन आया. मुझे भी सीरियसली तो बता, सच बताने जाओ तो, क्योंकि तू 17 साल का है एंड 17 साल की उम्र में तू ये कर पाया, तो मुझे भी ऐसे बहुत इंस्पायरिंग लगता है कि अगर बस अंदर सोच लिया हमने कि हमें ये करना है ये चीज, तो कर सकते हैं. एंड जो भी लोग, इतने सारे यंग लोग देखते हैं इस पॉडकास्ट, सुनते हैं इस पॉडकास्ट को, वो लोगों के लिए तो मैं सोच भी नहीं सकता कितना ज्यादा इंस्पायरिंग है, कितना ज्यादा रिलेटेबल है कि यार हम भी तो 15 है, हम भी तो 16 है, 17 है, हमें जो करना है हम वो पक्का कर सकते हैं अगर सोचा है तो. सो यस गाइज, प्लीज जाके फॉलो करो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा. नीचे आपको एक फॉलो का बटन दिखेगा, उस पर जाके क्लिक करके इस पॉडकास्ट को फॉलो करो, क्योंकि अगले ट्यूसडे एक नया पॉडकास्ट के साथ मैं आऊंगा. यस, एक नए गेमिंग कहानी लेके आऊंगा. लेट्स गो. अभी के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय. बाय बाय बाय. आप सुन रहे थे द मिथ बैट पॉडकास्ट, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल, प्रोड्यूस्ड बाय ऑफस्पिन मीडिया फ्रेंड्स, को प्रोड्यूस्ड बाय ओपरा FX. फॉलो बटन दबाइए और सुनिए एक नया एपिसोड.